नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से अलग होकर गुरुवार को अपने नए राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया है। मौर्य की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। उनके इस कदम को लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी लॉन्च करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हम बीजेपी को केंद्र से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। हम उनके नेताओं से बात करेंगे। बीजेपी की हार सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर मैं सभी बलिदान देने के लिए तैयार हूं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। इसी बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये मैसेज आया है कि अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा तो सीएम अरविंद केजरीवाल के पास ED CBI का नोटिस आएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग तय है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मैसेज आया है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो अरविंद केजरीवाल के पास ईडी और सीबीआई का नोटिस आएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसान आंदोलन के बीच बड़ा ऐलान किया गया है। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा है कि 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, हाईवे पर एक साइड में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर जाते हुए सभी हाईवे पर ये होगा। उग्राहा ने आगे कहा है कि 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत होगी। इसके अलावा उन्होंने खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी किसान के परिवार को मुआवजा देने की मांग की और कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हो। किसान आंदोलन में 10वें दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हालात सामान्य है। किसान शुभकरण की मौत के बाद किसानों ने 23 फरवरी को आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान किया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा मांगा है। खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। इस दौरान युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई। हालांकि किसान की मौत कैसे हुई इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की वजह साफ हो पाएगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुक्रवार को एक भीषण एवलांच आया। ये एवलांच गुलमर्ग के बैंक कंट्री इलाके में आया है। इस हादसे में एक विदेशी की मौत हो गई है जबकि एक अन्य बुरी तरह घायल हो गया है। राहत और बचाव टीम की तरफ से बताया गया है कि 3 विदेशी एक साथ घूमने निकले थे। इनके तीसरे साथी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। समाजवादी पार्टी में उपेक्षा की बात कहकर सभी पदों से और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के ताल कटोरा में नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा व RSS पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धर्म की दुहाई देकर सत्ता में बैठे ये भूखे भेड़िए आज इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों को बांट रहे हैं। भाजपा और RSS का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि इस देश की आजादी में उनके परिवार और कुनबे का कोई व्यक्ति हिस्सेदार नहीं रहा है, इसलिए देश में उन्हें कोई लगाव नहीं है। ये देश की पहली सरकार है जो कि देश की संपत्ति को बेचने का पाप कर रही है। सपा व कांग्रेस के बीच यूपी में सीट बंटवारे के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा में न्याय यात्रा से जुड़ेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने रायबरेली में न्याय यात्रा से जुड़ने का ऐलान किया था, पर सीट बंटवारे पर फैसला न होने के कारण उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राम ने कहा है कि हमने अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया है, वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के अमेठी से लड़ने पर उन्होंने कहा कि ये तो उन्हें ही तय करना होगा। ये दोनों सीटें गांधी परिवार की थीं, गांधी परिवार की रहेंगी। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं।
उनके बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रैली की बात चल रही है। बता दें कि संदेश खाली भी उत्तर 24 परगना जिले में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पीएम मोदी द्वारा राज्य के दौरे की जानकारी दी है। मजूमदार ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के 12-7 में महिलाओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। मजूमदार ने संवाददाताओं से कहा कि हमें आज पता चला है कि प्रधानमंत्री 6 मार्च को राज्य का दौरा करेंगे और 12-7 में महिलाओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। अब खबर आ रही है कि दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर समझौता हो गया है। दोनों दलों के बीच गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर कुछ देर पहले दोनों दलों के बीच होने वाली गठबंधन को लेकर बैठक हुई है। जल्द ही इसको लेकर आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। खास बात यह है कि यह गठबंधन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। कांग्रेस और आप दिल्ली के साथ गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक कर्नाटका सरकार द्वारा पारित एक कानून है जो 1 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी वाले हिंदू मंदिरों से आय का 10% टैक्स अदा करने का आदेश देता है। विधेयक का मकसद राज्य में हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती के मैनेजमेंट और फंडिंग के नियमों के तहत लाना है। सरकार जो टैक्स राज्य के अमीर मंदिरों से प्राप्त करेगी वो उसे आर्थिक रूप से कमजोर पुजारियों, सी ग्रेड मंदिरों के विकास और पुजारियों के बच्चों के बेहतरीन शिक्षा के लिए खर्च करेगी। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7वां समन जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को सोमवार 26 फरवरी को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पिछले 6 समन को अवैध बताते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था। 19 फरवरी को पिछले 6 समन को नजरअंदाज करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि मामला अब अदालत के पास है और जांच एजेंसी को इंतजार करना चाहिए, लेकिन जांच एजेंसी ने 7वां समन उन्हें भेज दिया है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के 30 से अधिक ठिकानों पर गुरुवार को सुबह छापेमारी हुई है। सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की है। सत्यपाल मलिक राज्यपाल पद से हटने के बाद से लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। वे कई मौकों पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर चुके हैं। पिछले महीनों में वे कई इंटरव्यू में प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का शेड्यूल गुरुवार को जारी हो गया है। पहले मुकाबले में गत विजेता चेन्नई सुपर किंग खेलेगी। ये मैच उनके होम ग्राउंड एमए चिदंबर स्टेडियम में 22 मार्च को होगा। चेन्नई का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम से खेला जाएगा। अभी 21 मैचों का ये शेड्यूल जारी हुआ है। चेन्नई की टीम रिकॉर्ड 9वीं बार आईपीएल के किसी सीजन का पहला मैच खेलेगी। इससे पहले 2009 से लेकर 2023 में उद्घाटन मैचों को खेल चुकी है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।